सो हाय गाइस, माय नेम इज संतोष कुमार एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हैकिंग दो तरह की होती है, ब्लैक हैट हैकिंग और व्हाइट हैट हैकिंग। सो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक हैट हैकिंग के बारे में। नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, जो इंडिया में अगर देखा जाए तो ब्लैक हैट हैकिंग काफ़ी बढ़ रही है। एक्चुअली मैं ये हो कैसे रहा हूँ और इसके बारे में अगर बात करना चाहें तो नॉर्मली अगर इंडिया में हम लोग देखा जाए तो अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है लोगों की लाइन लग जाती है उसको लेने के लिए। अगर बात करें हम लोग जियो सिम कार्ड की, तो जैसे ही वो मार्केट में लॉन्च हुई थी तो जियो का सबसे अच्छा ऑफर ये था कि वो फ्री में सबको डेटा और कॉलिंग दे रहे थे। और आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में कि कितने सारे लोगों की लाइन लगी थी वो ऑफर्स लेने के लिए। लोग काफ़ी दिनों से लाइन में लगे हुए थे सिम कार्ड्स उसकी परचेज करने के लिए, और आज भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं और स्टिल दे आर एंजॉइंग द सर्विसेज। बट सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक हैट हैकिंग। सो नॉर्मली क्या होता होगा, आपके साथ सभी ने देखा होगा कि जब हम लोग किसी पब्लिक प्लेसेस में विजिट करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में, होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको फ्री वाईफाई एक्सेस दिया जाता है उन कंपनीज़ के द्वारा या फिर उन होटल्स के द्वारा या फिर उन रेस्टोरेंट्स के द्वारा। और ऐसी जगह अक्सर पर देखा जाए तो इंडिया में लोग ऐसी जगह काफ़ी पसंद करते हैं जाना, जहाँ पर उनको फ्री में वाईफाई एक्सेस मिल रहा होता है या फिर फ्री में इंटरनेट यूज़ करने के लिए मिल रहा होता है। आजकल नॉर्मली क्या हो रहा है कि जैसे कि हम लोग किसी भी पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, वहाँ पे फ्री के वाईफाई को एक्सेस करते हैं, सो वहाँ पे हैकर का कुछ ग्रुप भी रहता है। नॉर्मली वो क्या करते हैं, उस कंपनी या फिर उस होटल या फिर उस रेस्टोरेंट से मिलते जुलते अपने वाईफाई के नेटवर्क या फिर पोर्ट को ओपन रखते हैं, और जैसे ही भी कोई यूज़र या फिर विक्टिम उससे कनेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के तुरंत बाद उसके मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास डिस्प्ले हो जाती है। इवन वो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, आपकी फाइल या फिर मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, आपके इवन यहाँ तक कि आपके कैमरे के द्वारा आप स्पाइंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को स्पूफिंग बोला जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, एक हैकर अपना एक वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करके सामने वाले पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन या फिर मीडिया फाइल्स को एक्सेस करता है, उसको हैक करता है। सो गाइस, अगर आपके मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के पास चली जाए या फिर किसी थर्ड पर्सन के पास चली जाए जो कि उसका मिसयूज़ कर सकता हो, तो डेफिनेटली वो उससे आपको काफ़ी हार्म कर सकता है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एज है और इसमें सारी चीज़ें मोबाइल से कनेक्टेड हो गई हैं, हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन आपके पास, इवन आप अपनी बैंकिंग के लिए भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल से पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं हम लोग नॉर्मली। और अगर आपके मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन या फिर सारा डेटा किसी थर्ड पार्टी पर्सन के पास चला जाए जो कि वो इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकता है आपको ब्लैकमेल करने के लिए या फिर आपके अकाउंट को खाली करने के लिए, सो ऐसी चीज़ों से अवेयर रहें और बच के रहें। और मेक श्योर कि आप जब भी कभी किसी पब्लिक प्लेस पर विजिट कर रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई फ्री वाईफाई का एक्सेस दिया जा रहा है तो उसको ऐसे ही आप नॉर्मली एक्सेस ना करें। तो मैं बस आपसे इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर किसी ऐसे वाईफाई के झांसे में ना आएँ और कहीं पर भी पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई को एक्सेस करने से पहले उसके बारे में एक बार सोच लें या फिर वेरीफाई कर लें उस कंपनी के द्वारा या फिर उस रेस्टोरेंट के द्वारा या फिर उस होटल्स के द्वारा कि वो जो वाईफाई का नाम है उन्हीं का है। और मैं तो गाइस यहाँ पर इतना बोलना चाहूँगा कि आप उसको एक्सेस ही ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दुर्घटना से देर बल्ली होती है। और जिस तरीके से आप इससे कोई बड़ी दुर्घटना या फिर कोई ऐसा हादसा आपके साथ हो जाए, उससे बढ़िया ये है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहें और थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपने मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज करिए, उसे यूज़ कीजिए नॉर्मली। सो इस स्पूफिंग की जो टेक्निक है वो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है आजकल इन दिनों में। और अभी हाल ही में 1.8 मिलियन एप्लीकेशंस को सीज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए द्वारा, जिनके द्वारा स्पूफिंग की जा रही थी। नॉर्मली ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होते, जिनको हम लोग ऑफलाइन स्टोर से डाउनलोड करते हैं या फिर हम लोग किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। नॉर्मली अगर आप कोई एंड्रॉइड हैंडसेट यूज़ कर रहे हैं या फिर iOS एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ज़्यादातर एप्लीकेशन जो आप अपने फोन में डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं वो आपकी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की गई हो या फिर iOS स्टोर से डाउनलोड की गई हो। नॉर्मली क्या होता है, ये जो गूगल प्ले स्टोर है और आपका iOS स्टोर है उन्हीं एप्लीकेशन को एक्सेस देता है या फिर उन्हीं एप्लीकेशन को अलाउ करता है गूगल प्ले स्टोर पर यूज़ करने के लिए, जो कि वेरीफाइड और ऑथराइज्ड एप्लीकेशन होती हैं किसी अच्छे और किसी थर्ड पार्टी वेंडर के द्वारा। नॉर्मली अगर हम अपने फ़ोन में एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं ऑफलाइन स्टोर से तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे पॉपअप्स ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेटली आपके मोबाइल का काफ़ी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसके बारे में जान पाए। सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, दिस संतोष कुमार साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।